सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में झूम रहे थे। ये भूत और चुड़ैलों की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है। कोई प्याले में खून पी रहा था तो कोई किसी को चीर कर बाहुबली बन रहा था। जो भी शांत आत्माएं भूत और चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश कर रही थी, उन्हें उस दुनिया के आतंकवादी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी किसी की उंगलियां काट रहे थे तो कभी उनकी आंखों को बाहर निकाल कर खेल रहे थे। देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे। बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। तभी छाया की एक दोस्त हैंडपंप चलाती है जिसके अंदर से खून निकलने लगता है। छाया की दोस्त उस खून को एक प्याले में भरकर छाया के हाथ में पकड़ा देती है, जिसके बाद छाया उस प्याले को भूत को जबरदस्ती पिलाने लगती है। जैसे ही भूत उस प्याले का खून पीता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो जाती हैं और वो पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है। क्या ये क्या पिलाया है तुमने? मुझे इसको पीते ही मेरे शरीर में ऐसे करंट दौड़ रहा है जैसे मानो 440 वोल्ट मुझे लग गया हो। बहुत आनंद आ रहा है। यही तो हमारी भूत और चुड़ैल दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। जो इसे पीता है वो हमारी तरह अमर हो जाता है। अब मौज करो। चुड़ैल और भूत की दुनिया का खून पीकर भूत के अंदर अचानक से कई सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद भूत काफी ताकतवर और तंदुरुस्त दिखने लगता है। तभी एक भयानक चुड़ैल उस भूत के पास आती है और उसे कहती है, ले लो भैया। ओफो, क्या बात है, दोराटे काट रहे हो। अब मैं यहाँ सबके धुराटे कटवाऊंगा। ये कहकर भूत अपनी दुनिया में पूरी तरह मौज मस्ती करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। उनकी दुनिया में कोई भी नया भूत या नई चुड़ैल आया करती थी तो वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें अपने जैसा बना दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुनिया में आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो आपस में ही एक दूसरे को कभी मारने तो कभी पीटने तो कभी झगड़ने लगते हैं। एक दिन एक चुड़ैल एक भूत से कहती है, ना मुराद कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांस को हाथ लगाएगा? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? देख तेरा कैसे अभी मैं चूरमा बनाता हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। ये सब बाकी के सभी भूत और चुड़ैल देख रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल आपस में ही एक साथ लड़ने लगते हैं, जैसे मानो पूरी भूतिया दुनिया में भूत और चुड़ैलों की जंग छिड़ गई हो। तभी उनमें एक जोर से चिल्ला कर कहती है, अरे रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। बताओ जल्दी क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं, हम सभी धरती पर जाने के लिए तैयार हैं।
हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब हम धरती पर जाकर मनुष्यों को परेशान करेंगे और उनका खून पीकर राटे काटेंगे। भूत की बात सुनकर उनके दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल धरती पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो धरती पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कई सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल उन सभी के ऊपर एकदम से हमला बोल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये भूत और चुड़ैल आए कहाँ से है? अब हम लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? भागो रे, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी एक भूत रामदास को उठाता है और उसे हवा में उछालकर सीधा अपने मुंह में निगल जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। कतई दुर्राटेदार स्वाद है इन लोगों का, बहुत मजा आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तभी एक गायत्री नाम की घायल लड़की अपने पति राम से कहती है, अरे तुम तो राम हो ना, इन दानवों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये दानव हम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अरे गायत्री, मैं उस जमाने का राम नहीं हूँ जो एक तीर से विशाल रावण को ही मार देगा। अरे तो कुछ तो करो, कोई तो समाधान होगा इन भूत और चुड़ैलों से बचने का, वरना आज हम सभी की लंका लगने वाली है। हाँ, पास के एक गाँव में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, वो इन भूत और चुड़ैलों को यहाँ से भगा सकते हैं। अरे तुम मुंह क्या ताड़ रहे हो, जल्दी से जाओ यहाँ से और तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। तभी राम पास में पड़ी साइकिल उठाता है और उसे चलाता हुआ दूसरे गांव में ले जाता है। जैसे वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, वो अपनी साइकिल एक तरफ फेंकता है और उनसे जल्दी से जाकर कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, हमारे गांव में बहुत सारे चुड़ैल और भूत आ गए हैं और उन्होंने हम सभी पर हमला बोल दिया है, उन्हें हमारे गांव से भगा दो बाबा, वरना वो हमारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। राम की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद राम तांत्रिक बाबा को अपनी साइकिल पर बैठाता है और अपने गांव ले आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतों को देखते हैं, तो वो तुरंत अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलोबतम लंब्यम भुजंग तुम मलाक्यम डमन 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 निनाद वर्ड मुन्य चकार तंद कांड गम तनोतना शिवा शिवा। बाबा के मंत्र को सुनते ही सभी भूत और चुड़ैल तड़पने लगते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू? तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहता है तो बता दे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी दुनिया से यहाँ क्यों आए हो? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? हम अपनी दुनिया में बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि धरती के लोगों को परेशान कर ले। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने इन गांव वालों को, अब तुम्हें इसका सबक मिलना बहुत जरूरी है। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का उपचार करते हैं और उसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैलों के नाम की आहुति दे देते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैल अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। एक भयानक भूत आसमान को चीरते हुए धरती की तरफ देख रहा होता है। कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह दुर्राटे काट रहे हैं? ले, फिर आ गए हम, तुम्हें क्या लगा था कि नहीं आएंगे? तभी उस भूत के बगल से एक चुड़ैल अपनी मुंडी निकाल कर आसमान से धरती की तरफ देख रही होती है। ले भैया, ओम पो, देखिए कैसी दुर्राटे काट रही है ये धरती के लोग, इनको क्या लगा था कि हम नहीं आएंगे? अरे भूत और आत्मा कभी मरते हैं क्या? ले, फिर आ गए तुम्हारे सर पर तांडव करने। ये कहकर चुड़ैल अपनी दुनिया से बाहर निकलकर धरती पर पहुंच जाती है। वहीं उसके पीछे पीछे कई सारे भूत और चुड़ैल भी आसमान को चीर कर अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इंसानों की दुनिया तक पहुंचते पहुंचते सभी भूत और चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा बड़े और विशाल आदमखोर दिखने लगते हैं और एक भूत धरती पर पैर मारते मारते कहता है, अब आएगा असली मज़ा, बहुत समय से इंसानों का मीट नहीं खाया है, अब इन्हें खाकर पेट भर लूंगा और इन्हें कच्चा ही अपने दांतों से चबा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
अरे तू अकेला थोड़ी खाएगा इन्हें, इन्हें तो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे तो इनकी खुशबू आ रही है, चलो ना अब इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। सभी चुड़ैल और भूत बेचारे धरती के इंसानों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। कोई उन्हें बीच में से चीर देता है तो कोई उनकी मुंडी उनके शरीर से अलग करके फेंक देता है, कोई उनका हाथ खाता तो कोई उनको मार कर उनका खून पी जाता। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव में भूत और चुड़ैलों का आतंक बहुत ही बुरी तरीके से उनका खौफ फैल जाता है और सभी विशाल भूत और चुड़ैलों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अरे यार ये सब क्या है, जब देखो हमारे गांव में भूत और चुड़ैल भागकर आ जाते हैं, और फिर ये भूत और चुड़ैल आते कहां से हैं? अरे लालू प्रसाद भाई, अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता तो सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को ही नहीं उखाड़ देता। अरे तू मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे क्या पता कहां से आए हैं ये भूत और चुड़ैल। हम अपनी दुनिया से आए हैं तुम्हारी दुनिया में। पिछली बार तुम्हारे राम ने हमें बाबा की मदद से इस गांव से भगाया था, इस बार कैसे भगाओगे? हम बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत विशाल भी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से एक भूत को संकेत मिलता है, जिसके बाद वह भूत सबसे कहता है, अरे मेरे भूतिया भाई और बहनों, हमारी दुनिया का दरवाजा बंद होने वाला है, अपना अपना भोजन उठाओ और जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा, जल्दी करो जल्दी करो। सभी भूत और चुड़ैल खूंखार जानवरों की तरह इंसानों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें उठा उठा कर रस्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद वो अचानक से ऊपर की तरफ उठते हैं और आसमान के अंदर घुस जाते हैं, जहां उनकी भूतिया दुनिया होती है। इस दुनिया में चारों तरफ आग की ज्वालामुखी फैली होती है, जहां पर पहुंचते ही सभी भूत और चुड़ैल मरे हुए इंसानों को ज्वालामुखी की आग में भून कर खाने लगते हैं। निकले पेट से आवाज, चिकन कुकड़ को कुकड़ को। अरे भाई ये चिकन नहीं है तो इंसान का मीट है। हाँ हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो मजे ले लेकर खा रहा हूँ। वैसे वो देख भूतिया अम्मा को, हमसे ज्यादा भोजन तो वही लेकर आई है, लेकिन इतना सारा ये कहाँ खाएगी, चल इसका थोड़ा सा भोजन चुरा कर हम खा लेते हैं। वो दोनों भूतिया अम्मा के पास जाते हैं और भूतिया अम्मा जंगली बिल्ली की तरह इंसानों को खा रही होती है, जिसके बाद भूत उसे अपनी बातों में लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा भूत उसका खाना चुरा रहा होता है, लेकिन तभी भूतिया अम्मा को पता चल जाता है और वह अपनी शक्तियों से उन दोनों भूतों के ऊपर वार करती है, जिससे वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। शर्म नहीं आती तो कू अपनी अम्मा का भोजन चुराते हुए? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो काट के फेंक देंगे तो का। अरे भाई ये भूतिया अम्मा बहुत ही शक्तिशाली निकली, अगर इसके पास दोबारा गए तो ये तो हमें जान से ही मार देगी। अबे साले ऐसा ही होता है, जब सामने बिरयानी रखी हो और अपनी बिरयानी छोड़कर दूसरी की बिरयानी पर नियत रखो तो अब चुपचाप अपना खाना खा ले। कितना मजा आ रहा है इन इंसानों को खाने में, आखिर इंसानों का गोश्त इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है। वह भूत जितना इंसानों को खाते उतना ही ताकतवर बन जाते। वहीं गांव के सभी लोग भूत और चुड़ैल के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे भाइयों ये सब क्या हो रहा है, पिछली बार इन भूतों ने हमारे साथ कितना बुरा किया था और इस बार तो हद ही पार कर दी। अरे भाई पिछली बार राम काका ने हमें बचा लिया था, उन्हें मरे हुए भी कुछ साल बीत गए हैं, हमें क्या पता था कि ये भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया से फिर हमारी दुनिया में आ टपकेंगे। एक है जो हमें इन भूत और चुड़ैलों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति करवा सकती है। अरे महेंद्र भाई तो जल्दी बताओ ना, आखिर कौन है वो? वो एक भयानक औरत है जिसका नाम यामिनी है, उसके अंदर एक बहुत ही भयानक पिशाचिनी है, लेकिन वो सिर्फ लोगों का भलाई करती है। उसने अपने अंदर की पिशाचिनी पर काबू किया है, अगर हम उसे अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगी। महेंद्र की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग महेंद्र को यामिनी को बुलाने के लिए भेज देते हैं। वहीं अगले दिन भूत और चुड़ैल की दुनिया से सभी भूत और चुड़ैल आसमान को चीर कर इंसानों की दुनिया में अपना आतंक फैलाने के लिए पहुँच जाते हैं और लोगों को उठा उठा कर मारने लगते हैं। मजा ही मजा। मेरे भूतिया भाई और बहनों, हमारा समय खत्म होने से पहले ही अपना अपना भोजन उठा लो और यहाँ से चलते बनो, वरना पिछली बार की तरह फिर हमें कई सालों तक अपनी दुनिया में ही कैद रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो हम लोग बहुत ताकतवर हैं। तभी उनके सामने महेंद्र आकर खड़ा होता है और कहता है, इस बार तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा,
चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हम इंसानों को बहुत कमजोर समझ रखा है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे देखो तो जरा, इतना फुदक रहा है, ये जानता नहीं है कि हम इसका क्या हाल करेंगे। जरा दिखाओ तो अपने दुर्राटे से, फिर इसके पीछे से निकलेंगे। ले भैया आम फा। भूत उसे मारने ही वाला होता है, इतने में वहाँ यामिनी पहुँच जाती है। क्या बात है, आज भूतों की दुनिया हमारी पृथ्वी पर? कोई संदेश है क्या मेरे लिए, या कोई निमंत्रण आया है किसी भूतिया पार्टी का? यामिनी को देखकर सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद यामिनी को गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। यामिनी की शक्तियों से सभी भूत और चुड़ैलों को एक जोरदार करंट लगता है और सभी धरती पर अचानक से गिर जाते हैं। अरे भूतो, इस जरासी औरत ने तो हम सबके दुराटे कटवा दिए। सभी भूत और चुड़ैल यामिनी का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यामिनी बहुत ही शक्तिशाली थी और अपनी तंत्र विद्या और मंत्रों से उसने चारों तरफ भूतों को एक तंत्र से बांध दिया, जिसके बाद उसने अपनी शक्तियों से सभी भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए जला दिया। सारे के सारे भूत और चुड़ैल आग की चपेट में जलने लगे और देखते ही देखते उन भूतों को मुक्ति मिल गई और गाँव भूत और चुड़ैल से मुक्त हो गया। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। इतने अंधेरे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के चारों तरफ घूम रही थी और अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी वो एक गाना गाती है। रात को आऊंगी मैं, तुझे ले जाऊंगी मैं, चोरी से खाऊंगी मैं और चुपके से चुराऊंगी मैं। तभी चुड़ैल का भूतिया कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लगता है हमारा शिकार हमारे करीब है। तभी चुड़ैल को एक मोटा आदमी सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। बात है, एकदम मोटा और गोलो मोलो शिकार हाथ लगा है आज तो, इसे खाकर बहुत मजा आ जाएगा। जैसे ही चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ उस मोटे से आदमी के पास पहुंचती है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखता हुआ कहता है, अरे कौन है मेरे पास? अगर कोई मेरे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा, चले जाओ। अरे चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। क्या खुशबू आ रही है इसके शरीर से, इसका मांस तो बहुत ही टेस्टी होगा। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपने नुकीले नाखून से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, अब कहाँ जाएगा तू बचकर मुझसे। ये सब देखकर उस मोटे आदमी का पूरा नशा उतर जाता है और वो चुड़ैल को देखकर घबराने लगता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, चुड़ैल चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तुझे खाकर मैं अपने पेट की गुड़ गुड़ खत्म करूंगी। बहुत जोरों से भूख लगी है, चल शेरू तो भी अपना भोजन खा ले। चुड़ैल के ये कहते ही भूतिया कुत्ता उस मोटे आदमी के पैरों को अपने मुंह में भरकर खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़कर खाने लगती है। ऐसे ही दोनों मिल बांटकर उसे खा जाते हैं। बचा कुचा वो वहीं छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस मोटे से आदमी की इतनी बुरी हालत देखते हैं, तो गांव के सभी लोग इतनी दर्दनाक मौत देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन देखो तो सही, कितनी बुरी तरह और बेरहमी से इस आदमी को मारा गया है, पता नहीं किसका काम है ये। अरे जरा इसके शरीर पर निशान तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे नोचा है, लगता है किसी जंगली जानवर ने इसको खाया होगा। अरे नहीं बहन, ये तो उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते का काम है, उसी ने इस आदमी को खाया है। क्योंकि कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तो मेरी नजर अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ पड़ी,
उसके बाद मैंने देखा कि एक चुड़ैल अपनी भूतिया कुत्ते के साथ इस आदमी को खा रही थी। क्या कहा? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव में भी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का साया है। अगर इन्हें जल्दी से गांव से बाहर नहीं भगाया गया तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होगा। बात तो पते की है, हमें इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही होगा। ये सोचकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं रात होते ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए गांव में यहां से वहां घूमने लगता है। तभी चुड़ैल को पूरे गांव में कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद चुड़ैल बहुत गुस्सा होने लगती है कि तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पड़ती है, जिसके अंदर से पीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। एक शेरू, मुझे उस झोपड़ी के अंदर रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है। लगता है वहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी आग जलाकर। चल उन्हें उसी आग में भून कर खाएंगे। अरे शेरू, अजीब तरह क्यों भौंक रहा है? पागल हो गया है क्या? देख, हमारा शिकार हमारे सामने है और तू है कि चलने को तैयार ही नहीं है। चुड़ैल का भूतिया कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने साथ उस झोपड़ी की तरफ ले जाती है। जैसे ही चुड़ैल झोपड़ी के अंदर पहुंचती है, वहां गांव की कुछ औरतें एक अघोरी बाबा के साथ बैठी होती हैं। अघोरी बाबा तीन घेरों के अंदर बैठा हुआ अग्नि के सामने एक यज्ञ कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता उस झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं, अघोरी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखकर उनसे कहते हैं, कहां से आई है तू चुड़ैल, और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तो इन गांव वालों से क्या चाहती है? तू कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? अबे जा बे अघोरी, तेरे जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जानती नहीं है चुड़ैल, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मुझे ललकार कर तूने बहुत बुरा किया है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तेरे लिए तो मेरा कुत्ता ही काफी है। जा शेरू, अपने भोजन का शिकार कर। जब भूतिया कुत्ता छलांग मारकर अघोरी बाबा के पास जाने की कोशिश करता है, वैसे ही उस भूतिया कुत्ते को बहुत ही जोर से करंट लगता है, क्योंकि जिस घेरे के अंदर अघोरी बाबा बैठे हुए थे वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो कुत्ता बहुत दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। अपने भूतिया कुत्ते को जख्मी देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से अघोरी बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन उसका वार लौट कर उसके पास वापस आ जाता है और वो भी घायल हो जाती है। देख चुड़ैल, मैंने कहा था ना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे सीधी तरह बता दे कि तू चाहती क्या है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इन्होंने मुझे इस गांव से बाहर निकाल फेंका। मेरी गलती क्या थी? क्या विधवा होना इतना बड़ा श्राप है कि मैं गांव में भी नहीं रह सकती थी? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था, उसके बाद से गांव वालों ने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और एक दिन उन्होंने मुझे गांव से निकाल कर जंगल में फेंक दिया। मेरे पास मेरा एक पालतू कुत्ता था जो हमेशा मेरे साथ ही रहा करता था। हम दोनों ने जंगल में ही अपना ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन एक दिन रात के समय गांव के कुछ आदमी मेरी झोपड़ी तक पहुंच गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। और मेरे जाने के बाद मेरा कुत्ता भी मेरे कम में जल बसा। मरने के बाद हम दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद हम लोग गाँव के लोगों से बदला लेने के लिए गाँव में पहुँच गए। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तुम इन गांव वालों को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी। जब तक मैं सबको नहीं मार देती, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी अघोरी बाबा को उन दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन दोनों को शिव जी के त्रिशूल से मार देते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे दोनों हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाते हैं।
गोवा वाले बीच में आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर दोनों फोटो खींच के, अरे कितना मजा आ रहा है इस शाम के समय में पानी के बीचों बीच। हाँ बहुत, मेरा तो हमेशा से ही सपना था कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ बोट में सवार होकर डूबती सूरज को समुद्र के अंदर घूमते हुए देखूं और उसका लुत्फ उठाऊं। देखो मैंने तुम्हारे सपने को पूरा भी कर दिया। चलो छोड़ो और आगे चलते हैं, ऐसे समंदर में ना बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे क्योंकि रात होने वाली है। रूबी और मानक की फिलहाल ही में शादी हुई थी और दोनों हनीमून के लिए गोवा घूमने आए थे, जहाँ वो नदी के इस तट का आनंद उठा रहे थे। पर किसे पता था कि ये बीच ही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। दोनों बोट में सवार होकर बीच के किनारे से काफी अंदर आ चुके थे, तभी एक बड़ी सी मछली तेजी से ऊपर उछलकर पानी में वापस डूब जाती है, जिसे देख दोनों कहते हैं, रूबी देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कोई शार्क मछली थी, कितनी बड़ी और सुंदर। मानव हम काफी ज्यादा आगे आ गए हैं, देखो सूरज भी डूब गया है, चलो बोट को वापस मोड़ लें। शार्क मछलियाँ बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। बीच भी पूरी तरह खाली हो गया है। रूबी के कहते ही अचानक उनके एकदम सामने एक बोट पर सवार होकर औरत फिशिंग राइड करते हुए नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों अपनी बोट तेजी से उसके पास लाकर कहते हैं, इतनी शाम को आप फिशिंग राइड कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि मछलियाँ मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी, इस समुद्र की सारी मछलियाँ मेरे इशारों पर नाचती हैं। ओ शिट, ये तो चुड़ैल है रूबी। और अब ये चुड़ैल तुम्हें भी खत्म कर देगी, आज बचना है मुश्किल तेरा। चुड़ैल छलावा करके अपने बच्चे के साथ नाव से गायब हो जाती है, और जिसके बाद वो दोनों डरते हुए एक दूसरे की शक्ल को निहारते हुए कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं वो चुड़ैल तुम्हारे अंदर तो नहीं आ गई ना? अपना एक्सपेरिमेंट बंद करो और जल्दी से भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो चुड़ैल फिर से दिखे। मछली जल की रानी है, खत्म तेरी कहानी है। मानक वो चुड़ैल हमारे बोट पर सवार हो गई थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें जाने दो, हमें मत मारो, हमारी नई नई शादी हुई है। शादी तो बर्बादी है, बीवी के हाथों रोज हलाल होने से अच्छा मेरे हाथों से एक ही दिन में बलि चढ़ जा। ये बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मौत के घाट उतार कर कहती है, अब मैं इनकी बोटियों को फिशिंग रॉड में फंसा कर मछलियाँ पकड़ूंगी। चुड़ैल मरे हुए इंसानों के टुकड़ों को फिश रॉड में फंसा कर पानी में डालते हुए कहती है, काटा लगा, खाए लगा, खा जा, समंदर के अंदर तेरी भूख का शिकार भेज दिया। हरिया 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 हा, ओ मेरी पोतिया मछली, जल्दी से अपनी विशाल का रूप में पानी से बाहर आकर इन मुर्दों को खा ले। चुड़ैल की बात सुनकर पानी में रहने वाली एक बड़ी सी मछली, जिसकी आंखें एकदम लाल और दांत एकदम शार्क की तरह पहने और बड़े थे, बाहर आकर उन्हें खा जाती है। और ऐसे ही लगातार चुड़ैल समंदर के अंदर आने वाले हर इंसान को मारकर अपनी भूतिया मछली को खिला दिया करती। एक दिन फिर से एक सरदार नाव में बैठकर समुद्र के बीच आकर कहता है, ओए ओए कितना चंगा लग रहा सी। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? ए आवाज कितने आ रही है? ये काना तेरी मौत का पैगाम है, नीचे पलट कर देख, 6 मीटर की पकड़ी वाले सरदार जी। हाय मेरे रब्बा, ये एक चुड़ैल सी, उनकी करा चुड़ैल सी, मैं क्या दिया थी, तुसी मैंने छोड़ दे, ये टाइगर बिस्किट फाड़। तो मुझसे मजाक कर रहा है, जानता नहीं मैं चुड़ैल हूँ? ओ ना जी, मैनू जान दियो, मैनू ना मारो। मैं निकली ओ नाव लेके समंदर में शिकार आया, ओ मरने को सरदार आया। चुड़ैल रहम नहीं करती, वो सिर्फ मारना जानती है। चुड़ैल उसको मारकर उसके लाश को भूतिया मछली को खिला देती है और उस पर सवार होकर कहती है, मेरी भूतिया मछली, जो मजा हमें तेरी सवारी करने में आता है वो और कहाँ आएगा, चल मुझे और मेरे बेटी को जरा सैर तो करा।
ये सुनकर वो भूतिया मछली एक मछली के आकार के समुद्री जहाज में बदल जाती है और कई बरस तक समंदर में खोखार चुड़ैल और भूतिया मछली मौत का खेल खेलती रहती है। एक दिन एक फैमिली भी उस समंदर की सैर करने के लिए आते हैं, तभी चुड़ैल छलावा करते हुए उनके सामने प्रकट होकर मदद की गुहार करते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मेरा बेटा पूरी तरह से जख्मी हो गया है। डेजी, उसे हमारी जरूरत है, चलो उसकी मदद करते हैं। स्टॉप रॉबिन, औरत नहीं बल्कि एक एविल स्पिरिट है। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, अब तो तुम्हें जल्दी मरना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा भेद खुल गया है। चुड़ैल डेजी को नाव से खींचकर पानी की भूतिया मछली के आगे फेंक देती है। तभी उसकी बेटी जॉर्जिया कहती है, मॉम समझी हेल्प मी। जॉर्जिया आगे मत जाओ, तुम्हें भी मारकर उस भूतिया मछली को खिला देगी। पर हमने इसका क्या बिगाड़ा है मॉम, जो ये ऐसा कर रही है। उस मासूम की आंखों से निकलने वाले आंसू चुड़ैल के दिल को पिघला देते हैं और चुड़ैल कहती है, उस दिन मेरा भी बच्चा ऐसे ही मेरे लिए छटपटा रहा था, फर्क बस इतना था कि पानी में मैं नहीं बल्कि वो था और मैं उसके लिए तड़प रही थी। क्या इस पानी में आपकी मौत हुई थी? ये लंबी कहानी है। आहना अपने 5 साल के बेटे वीर के साथ गोवा के बागा बीच पर घूमने आई थी। तभी एक नाविक उन्हें रोक कर कहता है, हाँ जी मैडम, क्या आपको भी समुद्र को करीब से देखने का शौक है? तो बैठ जाइए नाव में। माँ चलो ना, मुझे नाव में बैठकर इस नीले समंदर की सैर करनी है। अरे बेटा चलते हैं। भैया हमें समुद्र के अंदर लेकर चलिए, पर जरा संभल कर। चिंता मत कीजिए, वर्षों से इसी नाव में बैठकर हजारों लोगों को सैर कराया है। नाव में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ते ही समुद्र की लहरें सुनामी का भयंकर रूप ले लेती हैं और नाव रोवर के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जिसे देख आहना कहती है, क्या हुआ भैया, आप नाव को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने सालों में प्रकृति का ऐसा कहर पहली बार देख रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, पहले मुझे अपनी जान बचानी होगी। रोवर पानी में तैरना जानता था, वो बीच में कूद कर भाग जाता है। तभी एक शार्क मछली तेज लहरों के साथ ऊपर उठकर उसके बेटे के चिथड़े करके खा जाती है और आहना पानी में कूद पड़ती है। मेरा बेटा। इसके बाद शार्क आहना को भी अपना शिकार बना लेती है और वो मरकर चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे की आत्मा को पानी के अंदर से निकाल कर नाव में सवार करके कहती है, जिस शार्क मछली के कारण हमारी जान गई, मैं उसे भी भूतिया मछली में बदल दूंगी जो यहाँ आने वाले हर इंसान को खाएगी। फिर मैंने उस मछली को ढूंढ कर मार दिया और उसे अपना गुलाम बना लिया और अब तुम भी मरोगे। डैड, अब हम क्या करेंगे? अब तो जीसस ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वी शुड प्रे राइट नाउ। दोनों आंखें बंद करके बाइबल के होली वर्ड्स दोहराने लगते हैं कि समंदर के बीचों बीच अचानक से एक तेज रोशनी क्रॉस के आकार में बनकर चुड़ैल और उसकी भूतिया मछली पर जैसे ही रोशनी प्रकट करती है, वो ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हैं और फिर समंदर उनके कब्जे से हमेशा के लिए रिहा हो जाता है। थैंक यू जीसस, फाइनली वी आर सेफ। रात के समय कुछ चुड़ैल सरोवर नदी में आती है और बोलती है, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। लेकिन इस नदी को अपना बनाने से पहले इस नदी की सारी जल परियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नदी हमारी कभी नहीं होगी। अरे कभी तो शुभ बोला किया कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती रहोगी। जैसा मेरी बड़ी बहन बोल रही है वैसा ही बोल। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना कहकर वो सभी चुड़ैल हंसने लगती हैं और चुड़ैलों की हंसी सुनकर वहाँ पर कुछ जलपरियाँ प्रकट हो जाती हैं और उन चुड़ैलों को देखकर मरीना जलपरी बोलती है, तो फिर से आ गई तुम सब, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नदी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। तुम इस पर अपना कब्जा चाहती हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम इस पर कब्जा कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम लोग इस नदी पर कब्जा नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारी नदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कब्जा तो दूर की बात, तुम हमारी नदी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसकी ये धमकी सुनकर चुड़ैल अपने एक हाथ में तलवार लाती है तो दूसरे हाथ में कटार लेकर लाती है
और दौड़ते हुए जल परियों की तरफ हमला करने जाती है कि तभी मरीना अपने दोनों हाथों को उठाती है और दोनों हाथों से जादू करते हुए एक तेज रोशनी वाला चमकता हुआ गोला बना लेती है। एक तरफ तो वो सारी चुड़ैल जल परियों पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल परियां अपने बचाव के लिए अपने जादू को चुड़ैलों के ऊपर फेंकती हैं। इस तरह उन दोनों की शक्तियां आपस में टकरा कर एक आग का गोला बनकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते अब सुबह होने वाली थी। सूरज को निकलता हुआ देख सभी चुड़ैल जलपरी को धमकी देते हुए बोलती हैं, हम वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तब इस नदी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी जलपरियाँ भी अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी जलपरियाँ पानी के नीचे एक झुंड बनाती हैं और आपस में बात करते हुए बोलती हैं, मरीना बहन, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना ये हमारे इस नदी पर कब्जा कर लेंगे। तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम इनसे अपनी नदी को कैसे बचाएं? एक तरफ तो जलपरियाँ पानी के नीचे आपस में सलाह मशवरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के ऊपर कुछ लोग नदी के झरने में नहाने के लिए आते हैं। वो उस नदी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओह गॉड, नदी कितनी प्यारी है, इस नदी में एक ब्यूटीफुल झरना भी है और उस झरने के पास देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो राहुल, क्यों ना हम इस झरने में वन बाय वन नहाएं? वेल, आइडिया बुरा नहीं है। और इस तरह वो सभी दोस्त उस झरने में नहाने के लिए उतरते हैं। एक तरफ तो वो लोग नहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भयानक चुड़ैलों की नाक तक इंसानों की खुशबू पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में कुछ इंसान आए हैं। इंसानों की खुशबू सूंघकर चुड़ैल अपने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक जलपरी ये सब नजारा देख रही थी। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और नदी के बिल्कुल निचले भाग में जाकर अपनी रानी मरीना को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मरीना के होश और हवास उड़ जाते हैं। मरीना जल्दी जल्दी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है, जहां वो देखती है चुड़ैल और इंसान आपस में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग तुम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिर तुम हो कौन और तुम हमें इस नदी में नहाने के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, हम नहीं चाहते कि इस नदी में सिवाय हमारे कोई और रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर मरीना बीच में बोलती है, झूठ, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, है ना? ये नदी हमारी है और तुम इस नदी के ऊपर कब्जा करने की सोच रही हो। अभी ये नदी तुम्हारी नहीं है जो तुम इसे अपना नाम दे रही हो। उस नदी के अंदर चुड़ैल और जलपरी को देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? यहाँ पर भला चुड़ैल और जलपरी कैसे आ सकती हैं? और वो दोनों इस नदी के लिए लड़ रही हैं? How is that possible? तुम जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है राहुल। ये चुड़ैल बुरी आत्माएं हैं जो कि हमारी इस पूर्वजों की नदी पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन क्यों ये चुड़ैल इस नदी पर कब्जा करना चाहती हैं? आखिर इनको इस नदी पर कब्जा करके मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं जानते। ये राज तुम्हें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम इस नदी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इस नदी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हम इंसानों को इस नदी में क्यों नहीं नहाने दे रही? बल्कि ये नदी तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम इस पर इस तरह हक जता रही हो जैसे कि ये नदी तुम्हारी है। आखिर क्यों कर रही हो तुम इस नदी पर कब्जा? हम कब्रिस्तान से छूटी हुई कुछ चुड़ैलें हैं। हमें अब ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और ना ही धरती पर, इसीलिए हम लोगों ने अपनी दुनिया इस नदी के अंदर बनाने की सोची। लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर भी जगह नहीं दी, इसलिए अब हम इस नदी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए हम इस नदी को छीन लेंगे। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उसी तरह हम भी इस नदी को छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया जादू से जल परियों के ऊपर हमला करने लगती है और एक बार फिर जलपरी अपनी शक्तियों से खुद का बचाव करने के लिए गोला धारण कर लेती है।
लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जलपरियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन तीन दोस्तों के लिए भी था जो मामूली इंसान थे। वो सारी चुड़ैलें कभी आग कभी गोला जलपरियों पर फेंकती तो कभी मुंह से आग निकालती। ये सब देखकर वो सभी इंसान डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक चुड़ैल राहुल को अपनी जीभ से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और उसको खाने के लिए धीरे धीरे अपनी जीभ अंदर करने लगती है। तभी शांति अपनी जेब में से एक छुरा निकालती है और उस चुड़ैल की जीभ को काट देती है। इस तरह राहुल पानी में गिर जाता है। ये देखकर चुड़ैलों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर वो उन पर हमला करती हैं। लेकिन इस बार मीना के गले में लॉकेट होने की वजह से चुड़ैलों का जादू उनके ऊपर न जाकर उल्टा चुड़ैल के ऊपर ही चला जाता है और इस तरह वो सभी चुड़ैल जलने लगती हैं और जलते हुए बोलती हैं, तुमने अपने इस शीशे वाले लॉकेट से हमारा जादू हम पर आजमा तो लिया, लेकिन याद रखना हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो इस नदी के साथ साथ इस पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तुम उस दिन का ध्यान रखना जिस दिन हम सभी चुड़ैल वापस आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती हैं और सभी दोस्त जलपरियों का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जलपरियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारी इस दुनिया के राज को राज ही रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंसानी दुनिया में जलपरी होने वाली बात पहुंचे। यदि जलपरियों की बात इंसानों के बीच जाएगी तो वो हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। इस तरह हम किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हम ऐसे कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी जलपरियां अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं और अब सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।